खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए KNN मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। चुलियाना गांव में दो गुटों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, लाठी व तेज हथियार से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल। मृतक रामचंद्र के परिवार वालों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप। परिजन बोले कल ही मांगी थी पुलिस सुरक्षा, लेकिन पुलिस ने नहीं लिया कोई संज्ञान। 100 गज के प्लाट को लेकर हुआ था आपसी विवाद। IMT थाना पुलिस व FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर की जांच। लगभग एक दर्जन लोगों पर हत्या का आरोप। 100 गज के प्लाट के लिए दो गुटों में इस कदर लड़ाई हुई कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला रोहतक जिले के चुलियाना गांव का है, जहां पर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया और रामचंद्र नामक व्यक्ति की लाठियों व तेज हथियार मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पाकर IMT थाना पुलिस, FSL टीम व प्रशिक्षु IPS आशीष अग्रवाल मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। मृतक के परिजनों ने पुलिस लापरवाही का आरोप लगाया है। बताइए क्या सूचना मिली थी और क्या मामला पाया? गांव चुलियाना में दो पक्षों में ना आपस में झगड़ा का खबर आई थी, जो यहाँ रामे पक्ष को ना दूसरे पक्ष ने चोट मार दी, रामे और दो तीन आदमियों को ज़्यादा चोट रामे की मौत हो गई थी, तो मास को और घायलों को ना हॉस्पिटल में भेजा गया है, पोस्टमार्टम तो वह इलाज होती है, उसकी कार्रवाई चल रही है, गिरफ्तार करके। घायल कितने थे और क्या मामला है ये अब तक? मामला इनका तो प्लाटों पे लेके मामला बता रहे हैं, विवाद था तो उसी काम इनका आपस में चर्चा नहीं के करिए। कितने आरोपी बताए जा रहे हैं पीड़ित पक्ष? आरोपी अभी इनके घायलों को सिविल हॉस्पिटल में भेजा गया है, PGI में, वहाँ इनके बयान दे के पर्चा दर्ज करके कार्रवाई में।